तरतालवीं कहानी कलीसिया की शुरुआत होंदी है। यीशु का स्वर्ग जाने के बाद चेले जरूशलेम च गए रुके, जिया कि यीशु ने उनेंगी करने का हुक्म दिता हा। उत्थे दे विश्वासी लोग लगातार प्रार्थना करने आस्ते किट्ठे हुआ करते हे। हर साल फसा दे त्यार दे 50 दिनें दे बाद यहूदी लोग पिंतेकुस्त नां दे एक खास दिन गी मनाया करते हे। पिंतेकुस्त उह समां हा जिसले यहूदी लोग कणके गी बढ़ने गी मनाया करते हे। सारे संसार च यहूदी लोग पिंतेकुस्त दे दिन गी कन्ने होइए मनाने आस्ते जरूशलेम च आए हे। इस साल पिंतेकुस्त मनाने का समा यीशु दे स्वर्ग जाने दे लगभग एक हफ्ते दे बाद आया। जिस वेले सारे विश्वासी लोग किट्ठे हे ते जिस घर ओ हे, अचानक के ओ तेज आवादी वाए कन्ने भरोईया। उस वेले अग दी लपटे आले लेखे दिखने आला किस सारे कलीसिया दे सिरे उपर प्रकट होया। ओ सारे पवित्र आत्मा कन्ने भरोईए ते उन्हें अन्ने भाषा च परमेश्वर की स्तुति की। ए ओ भाषा ही जिन्हें बोलने आस्ते उनेंगी पवित्र आत्मा ने लायक किया हा। जिसले जरूशलेम च रोने आले लोकें उस रोले की सुनिया ते ओ पीड़ दे रूप च ए दिखने आस्ते किट्ठे आए कि के वादा है। उन्हें विश्वासियों की परमेश्वर थमां किते गेदे बड़े बड़े कमें की घोषणा करते सुनिया। ओ रान हे, ओ उन्हें कमें की अपनी के भाषा च सुना दे हे। इंदे चा किश लोकें आख्या कि चेले नशे च है, लेकिन पत्रस खड़ोता ते उनेंगी बोलिया, मेरी गल सुनो, ये लोग नशे च नहीं हैं। इंदे बगैर जे तुस दिखने ना ओ इये जे जोएल भविष्यवक्ता ने आख्या हा कि होग, अंत दे दिने च आऊं अपनी आत्मा उंडेलगा। ए इसराइली मर्दों, यीशु एक ऐसा मानू हा जिसने ए दसने आस्ते कि ओ कुन हा बड़े सारे अनोखे काम किते हे। उसने परमेश्वर दी सामर्थ कन्ने बड़े सारे अद्भुत कामें गी कीता हा। तुस ए जानदे हो कि के तुसें इन्हें कम्में गी दिखा है, लेकिन तुसें उसी क्रूस पर चढ़ाऊ उड़िया। यीशु मरिया, लेकिन परमेश्वर ने उसी मरे बिचा जींदा करू उड़िया। इसने उस गल की पूरा करी दिता जिसी एक भविष्यवक्ता ने लिखा हा, तू अपने पवित्र जन गी सड़ने नहीं देगा। आस गवां कि परमेश्वर ने यीशु गी भी दुबारे जींदा करू उड़िया। परमेश्वर पिता ने यीशु गी अपनी सज्जी वक्खी बठा लिए आदर दिता है ते यीशु ने साढ़े आस्ते पवित्र आत्मा दिता भेजा है, जियां कि उसने वादा कीता हा कि ओ भेजग। पवित्र आत्मा गे इन्हें कम्में गी उन्हें ही दयांदा है जिन्हें गी तुस दिखदा ना ते सुनेदा ना। तुसे उस माणू गी यीशु गी क्रूस पर चढ़ाऊ उड़िया, लेकिन ये पक्का जानी लियो कि परमेश्वर ने यीशु गी सारी चीजें उपर प्रभु ते मसीह दोनों ठहराया है। पत्रस दी सुनने आले लोग उदे थमां आखी गेदी गल्लें गी अंदर तकर हिली गेदे हे। इस करी उन्हें पत्रस ते चेलें गी पुछया, ए प्रभु, असें के करना चाहिदा? पत्रस ने उन्हें गी जवाब दिता, थोड़े बिचा हर एक जन अपने पापें दी तौबा करे ताकि परमेश्वर थोड़े पापें गी माफ़ करे, ते यीशु मसीह दे नां च बपतिस्मा लियो। उस वेले ओ तुसें गी वरदान दे रूप च पवित्र आत्मा भी देग। पत्रस ने जे आख्या, ओदे उपर लगभग 3000 लोकें विश्वास कीता ते यीशु दे चेले बनिए। उन्हें बपतिस्मा लेता ते जरूशलेम दी कलीसिया दा हिस्सा बनिए। जिसले प्रेरितें उन्हें गी शिक्षा दिती ते विश्वासियों ने लगातार सुनिया, ओ ज़्यादातर मिलते हे ते कन्ने भोजन करते हे ते उन्हें एक दूए आसे प्रार्थना कीती। उन्हें मिलिए परमेश्वर की स्तुति कीती ते जे किश उन्दे कोल हा उन्हें एक दूए कन्ने बंडिया। शहरें दा हर एक माणू उन्दे आस्ते शैल विचार रखता हा। हर दिन ज़्यादा कोला ज़्यादा लोग विश्वासी बनते गए।